ईरान में एक आदमी को अमेरिका ने प्लांट किया, ईरान का प्रधानमंत्री बनवाया। उससे ईरान का सारा धन दौलत कौन लुटवाता था? अमेरिका। हमें नहीं बैठा ताकि उसको भेजो, फांसी की सजा होगी। अब अमेरिका ने प्लांट बनाया। अरे 82-85 में कहा होगा आप लोग। तो उस समय क्या हुआ ना, अमेरिका और ईरान में एकदम दुश्मनी चल गई थी। अमेरिका की आदत है, अगर देखिए जिस दिन भारत और अमेरिका का रिलेशन खराब होगा उस दिन याद रखिएगा अमेरिका जो है कश्मीरियों को मान्यता देना चालू करेगा, उन्हें गन सप्लाई करेगा, खालिस्तान के मामले में चुप हो जाएगा, नक्सलियों को आम सप्लाई चालू कर देगा। वो हर देश को बर्बाद करना चाहता है और कुछ नहीं यहाँ पे, इसलिए वो ईरान को भी यही चाहता था। तो वहाँ क्या मानता, खुमैनी शासक बहुत खतरनाक अभी भी, तो उसके दूतावास में घुस के दूतावास में जितने कर्मचारी सबको कब्जा बंधक बना लिया। कहीं सोचा तो नहीं जाएंगे सभी राजदूत सब यहाँ पे। रीजन समझिए, ईरान का जो, ईरान में उसने एक शासक से, जब ये पढ़ाएंगे डिटेल से तब पता, एक आदमी को अमेरिका ने प्लांट किया और उसने ईरान के, ईरान का प्रधानमंत्री बनवाया और उससे ईरान का सारा धन दौलत कौन लुटवाता था? अमेरिका। उसकी यही आदत रहती थी, अपना एक पिट्ठू सरकार बना देता था। तो वहाँ इस्लामिक रिवोल्यूशन हुआ खुमैनी के नेतृत्व में, लोगों ने भगा दिया उसको, भाग यहाँ से। आया बैठ के खुमैनी बैठा, कहा कि उसको भेजो, उसको ईरान के हिसाब से फांसी की सजा होगी। तो अमरीका उसको दिए नहीं रहा था, न दे तो एक राजदूत केवाड़ी खोल रहे दूतावास में से निकाल राजदूत, सारा राजदूत कर्मचारी सब लोग को बंदी बना दी, जबकि नहीं बना सकते। कहा कि लो इधर, कैसे देंगे? अगर तुम ससुर हमारा प्रधानमंत्री को रख ले, हम तो राजदूत को रख ले, नहीं देंगे यहाँ पे। 2 साल तक रखा था, 2 साल तक। अब अमरीका ने प्लान बनाया, एक काम करते हैं दूतावास पे हमला करते हैं, जैसे ओसामा बिन लादेन को कैसे मारा था, तो दूतावास पे हमला करते हैं, उसी में बंदी बनाए गए हैं। तो हेलीकॉप्टर जाएगी 5 गो, एगो रहेगी खाली हेलीकॉप्टर जिसमें से उन लोग को लाया जाएगा, बाकी सब में रहेंगे सैनिक। 5 गो हेलीकॉप्टर जाएगी और कैसे भी करके उनको लाएगी। रातों रात यहाँ से ऑपरेशन चालू हुआ ईरान में जाने का, डिगो गार्सिया से रिफिलिंग कर वगैरह निकल दिया सब, और अमेरिका के सैन्य अड्डे अगल बगल में है, ईरान में गया। 5वें हेलीकॉप्टर में जब गए, सुनो दस्ते लूट मरुस्थल में धूल का गुब्बार उड़ गया, यहाँ पर वो पूरा आंधी उड़ गया, उसमें आंधी उड़ गया तो एगो हेलीकॉप्टर में नीचे गिर गया, लह हो गई, लो काम कांड हो गया। तो एगो नीचे गिर गया, तो एगो उसका साथी जो हेलीकॉप्टर था वो भी उतरा, कहा इंजन बंद कर, इंजन बंद कर इंजन, यहाँ पे हल्ला हो जी तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। उस समय मोबाइल वोबाइल था नहीं, यहाँ पे हल्ला हो जाएगा तो खबर पहुँचते पहुँचते सुबेर हो जाएगा, समझा। उसके बाद सब ये सब उसको अंदर लाने लगा सर, हेडक्वार्टर फोन किया सर, अब वो कैसे लाएंगे, एगो एक्स्ट्रा हेलीकॉप्टर हम ही लोग को चाहिए क्योंकि एगो भड़क गया यहाँ पे। तब तक एगो ट्रक आ रही थी उसी रास्ते पे, सुनसान सड़क था और रतिया 2 बजे एगो ट्रक आ रही थी। ये सब सोचा सर यार ट्रक वाला देख लेगा तो दिक्कत होगा, एगो बम मार के उड़ा दो। ये बैल सब कहा जाता है, दिन खराब रहे ना ऊँट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटता है। देखिए हम वो मिसाइल लगा के रॉकेट लॉन्चर मारा सर ट्रकवा को ना, तो ट्रक नहीं था तेल का टैंकर था। उस ससुरा ऐसा ना धमाका मारा ना, ऐसा धमाका मारा 2-3 जिला वाला लोग जागरूक हो गया, का होलो हो कहीं परमाणु बम तो ना मार दिलो अमेरिका, अब पहले से था ही। अब पूरा खबर हो गया ये सबको कि ये आया है सब यहाँ पे, क्या हुआ है आया है सब। तभी हेलीकॉप्टर उठा के टन टन भाग गया यहाँ पे, अब फुटलका हेलीकॉप्टर में नीचे छोड़ दिया। ईरान का एक बटर, एक बटर 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 इसको बटर, इसमें क्या क्या बनाया है, क्या बनाया है। आज ईरान देख रहे हैं बहुत आगे निकल रहा है ड्रोन और उनके मामले में, समझा गया। खुमैनी ने कहा कि ये दूतावास में कौन है सब, कै गो है सब यहाँ पे, सबको निकालो। तो एगो को कौन सरकारी स्कूल में ताला मारो, एगो को जेल में भरो, एगो को बाल सुधार गृह में भेजो, एगो कोनो को अस्पताल में ताला मारो, पूरे ईरान में बिखेर दो इन लोग को। पूरे ईरान में बिखेर दिया, समझ में आ गया कि नहीं? आओ पकड़ो पकड़ो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आज भी अमेरिका को इसी बात का खुन्नस है, छोटा सा देश बर्बाद कर दिया। और उधर जिसको लाना था उसको कैंसर हो गया, मर गया ईरान में, अमेरिका में कैंसर हो गया मर गया, समझा कि नहीं? अमेरिका के दुश्मनों को अचानक कैंसर टीबी हो जाता है, जिन्ना जब तक पाकिस्तान नहीं बना था स्वस्थ थे, जैसे पाकिस्तान बना टीबी हुआ मर गए। आप नहीं समझ रहे हो पनौती नहीं है बउआ, हम लोग बस जीने के लिए आए, उस वीडियो गेम की तरह खेल रहा है सब लोग को, किसी को हेडशॉट मार रहा है तो किसी को कुछ मार रहा है, रियल लाइफ में पबजी खेलता है सोचो।
आगे बढ़े तो दस्ते लूट आए थे, लूटने लुटा के चले गए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आए थे लूटने लुटा कर चले। आप बताओ मित्रों, क्या हमें चीन के साथ ऐसा ही रवैया अपनाना चाहिए कि नहीं अपनाना चाहिए? बिल्कुल अपनाना चाहिए हम लोग को।